करते हैं और आगे क्वेश्चन की, तो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये क्वेश्चन दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विद द रियल कोएफिशिएंट हैविंग 1 प्लस आई इज द रूट, ठीक है। तो इसका जो है 1 प्लस आई जो है वो रूट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक रूट होता है तो इसका कॉन्जुगेट जरूर उस इक्वेशन का रूट होगा, ओके। तो जब ये दो रूट हो गए तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जब इनको ऐड करेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर इसमें दिया गया है बी ऑप्शन सही है, मतलब दूसरा आंसर सही है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पेपर में कोई और आंसर सही हो तो आप आंसर अपना मैच करें, ठीक है। ये ना देखें कि दूसरा तीसरा या चौथा सही है, क्योंकि इस बार BHU में चेंज किए गए हैं क्वेश्चन नंबरिंग भी और आंसर नंबरिंग भी, ओके। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद में कहा गया है एंड एन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एन जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 6 9 नहीं है, तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू अगर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर देखें तो ये हमारा लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो आपका बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू सिंपल सी 0 हो जाएगी, ओके। बात समझ में आई। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके दो आंसर यहाँ पे क्लियर हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है एक्स माइनस 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, ओके, और x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, ओके, और क्या दिया गया आपको, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू बतानी है कौन सी होगी, तो आपने किया होगा, लेकिन आप इसको किस तरीके से करें, आप वैल्यू रखें। तो अगर हम x बराबर यहाँ पर 4 करते हैं तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 दो 8 माइनस 3 5, और 4 दुनिया 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 4 0, यहाँ रखेंगे 4 दो 8 माइनस 9, और 4 दुनिया 12 माइनस 16 4, ठीक है। 4 रखेंगे तो माइनस का 4, 4 दुनिया 8, और 27 से आप घटाएंगे आपको माइनस का 19 बच जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 4 दुनिया 12, 64 से 12 अगर आप घटाते हैं तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 52, इतना समझ में आया। अब अगर देखें इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है तो माइनस 2, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर सॉरी ये 4 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 52 माइनस ये यहाँ पर रखेंगे अगर 4 दूनी 8, ठीक है ये सही है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 936 और 4 एकम 4, ठीक है 4 3 7, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 20 और प्लस 8, बात समझ में आ गई। तो ये माइनस 2, 76 से 52 घटाएंगे 6 से 2 जाएगा 4 और 7 से 5 जाएगा 2, तो माइनस का 24 और माइनस 4 यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बच जाएगा आपका माइनस 12, तो 24 गुना 48 आएगा माइनस का, ओके। और यहाँ पर कितना प्लस का 48 आएगा और यहाँ पर भी कितना जाएगा प्लस का 48, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप 5 या 6 रख करके देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग अभी मैच करवा देंगे कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आप लोग चेक कर लें इसको, हम दोबारा नहीं कर रहे क्योंकि फिर से आंसर रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आया हो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की, यहाँ पर आपसे कहा गया 1/x प्लस एक्स की पावर log x बेस 10 की पावर 5, ठीक है। और इसका बोला गया थर्ड टर्म, मतलब डिग्री जो है वो क्या है हमारा 1000 है, तो आपको पता है कि tr प्लस 1 क्या होता है mcr x पावर n माइनस r a की पावर r, तो यहाँ पर tr प्लस 1 क्या हो जाएगा n m कितना है 5 cr x मतलब 1/x की पावर 5 माइनस r और x की पावर
log x raised 10 की पावर r, ठीक है। लेकिन थर्ड टर्म बोला गया है तो r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5c2 वन अपॉन x की पावर 3 और x की पावर log x raised 10 की पावर कितना 2 इज इक्वल टू 1000। तो आप देखेंगे 10 होता है तो इससे कटेगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर log x base 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब। अब अगर x की वैल्यू आप 100 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे log 100 base 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर रखते हैं 100 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 की, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 8, जो ये भी 10 की पावर 8 है और ये भी 10 की पावर 8 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, ओके। बात समझ में आ गई, आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये देखिए, ओके, और आंसर आप मैच कर लीजिए 3 क्वेश्चन के।